तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ PNS यरमूक पर और यहाँ पर ऑन बोर्ड हूँ। दिन रात यहाँ पर कैसे काम होता है, हमारे ऑफिसर्स यहाँ पर किस तरह अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, कितना मुश्किल होता है, ये आज सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, कितना अहम किरदार है PNS यरमूक का जो सिक्योरिटी है उसमें और अमूर की अंजामदही में, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं जनाब। इस वक्त मैं PNS यरमूक पर, जैसा कि आप जानते हैं, मौजूद हूँ और मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं कमांडिंग ऑफिसर है PNS यरमूक के कैप्टन हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कैप्टन साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी अपने शिप के बारे में मुझे बताइए। PNS यरमूक जी शिप है यरमूक क्लास का और इट वॉज कमीशनड इन फरवरी 2020। इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न क्राफ्ट है, यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स इक्विपमेंट और इसके अलावा हमारी मशीनरी है। आर प्राइमरी रोल इज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस और हम इसके अंदर काउंटर नारकोटिक्स, काउंटर पायरेसी और टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करते हैं। इसके अलावा एंटी सर्फेस एंटी एयर रोल भी है हमारा, ह्यूमन असिस्टेंट रिलीफ और शिनाव सर्च एंड रेस्क्यू भी करते हैं, क्योंकि हमारा नाम जो है वो डिराइव होता है बैटल से। सो वी सिंबलाइजेज ब्रेवरी, डॉन्टलेसनेस एंड वैलर। जबरदस्त। अच्छा, वैसे एक बड़ा मैं आपसे पर्सनली पूछूंगी, अमूमन जब हमने कोई गाड़ी भी रखी होती है ना, तो हमारी कोशिश होती है कि जितनी एडवांस हो उसका कोई ना कोई ऐसा फीचर जरूर होता है जो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो आप तो माशाल्लाह रहे ही जहाजों में, तो PNS यरमूक का ऐसा कौन सा फीचर है जो आपके ख्याल में सबसे जबरदस्त? जैसे मैंने आपको बताया ये मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस का भी है, बोर्डिंग्स वगैरह बहुत करते हैं। फिर जहाज की खासियत इसकी वो कैपेबिलिटी है जिसके थ्रू हम बोर्डिंग करते हैं। मेरे पास 3 स्टेट ऑफ द आर्ट बोट्स हैं जो किसी भी सी स्टेट में लॉन्च होती हैं और काउंटर नारकोटिक्स हम करते हैं, ऑपरेशंस बोर्डिंग करते हैं। इसके अलावा जो इसके ऊपर रिडार्स लगे हुए हैं वो उस ऑपरेशंस में हमारी मदद करते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ इस जहाज की है, बारिंग द इक्विपमेंट, बारिंग द वेपन्स, बारिंग वो इसके लोग हैं जो कि हाईली मोटिवेटेड हैं और अपना काम अच्छे तरीके से जानते हैं और एवर रेडी रहते हैं। जबरदस्त, क्या ही बात है। अच्छा, मैंने यहाँ पे हेलीपैड भी देखा है, तो ज़रा कुछ बताएंगे हेलीपैड के बारे में? अच्छा, ये जहाज़ हेलीकॉप्टर को एम्बार्क कर सकता है डे और नाइट बोथ ऑपरेशंस में। इसके अलावा हमारे पास हेलीपैड के साथ आपने एक हैंगर भी देखा होगा, तो वो जो हेलीकॉप्टर आता है वो वहाँ पे हमारे साथ रह भी सकता है और हमारा ऑर्गेनिक पार्ट बन जाता है। ऑर्गेनिक पार्ट का मतलब ये है कि जब हम सी में जाते हैं हमारे पास आता है और फिर वो हमारे साथ रहता है और हमारे ऑपरेशंस में, सर्च एंड रेस्क्यू में, सर्वेलेंस के अंदर और रिकग्निशंस के अंदर वो काम आता है और हमें समंदर में वेपन उसको सरफेस कॉन्टैक्ट्स को और एक कॉन्टैक्ट्स को ढूंढ के देता है। अच्छा, अब मैं चाहूँगी अगर आप डिफेंस डे के हवाले से भी हमें कुछ अपने कुछ तासरात, तो मैसेज जो कि आप पाकिस्तानियों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो प्लीज़। लेकिन साल में एक दफ़ा 6 सितंबर हम आता है और हम इसको याद करते हैं। 8 सितंबर को हमारा नेवी डे आता है और हम उन शहीदों को याद करते हैं, उन गाजियों को याद करते हैं जो उस वक्त पाकिस्तान को बचाने के लिए निकले, अपने मदरलैंड को डिफेंड करने के लिए निकले। तो एक तो ये कि हम तारीख पढ़नी चाहिए, उन हालात को देखना चाहिए जिन हालात में हमने जंगें लड़ी और आज के तनाजुर में इसको देखना चाहिए। दुश्मन अब वही है, दुश्मन उससे ज़्यादा ताकतवर है और हमने ये कोशिश कि जिस काम के लिए हमें भेजा जा रहा है, चाहे मैं नेवी का हिस्सा हूँ और वो पार काम करते हैं, तो अपना काम वो सही तरीके से और ऐसे तरीके से करें। बस इसके अलावा आगे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बाकी जज्बा उबुल वक्री हम सब में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और पाकिस्तान के लिए आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए हम तैयार हैं। बहुत अच्छी बातें आपने की हैं। अच्छा, मुझे कैप्टन और ये बताएगा कि समंदर में ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है? आपने 97 से अपना करियर स्टार्ट किया, पहले कितना मुश्किल था या अब काफ़ी आसान हो गया है? अच्छा, समंदर तो अभी भी वैसा ही है जैसे 1997 में था। यकीन ज़ाहिर है आप एक काम शुरू करते हैं तो शुरू में आपको मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप किन चीज़ को वॉलंटियर करके आते हैं तो ज़ाहिर है आपका जज्बा बड़ा मुस्तलिफ होता है और आप ये तैयार होकर आते हैं कि आप एक मुश्किल ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, एक्सपीरियंस आता रहता है, तो एक तो आपको अपना काम समझ में आना शुरू हो जाता है और दूसरे आप उसको इन्जॉय करना शुरू करते हैं। टिल द टाइम यू आर इन्जॉइंग योर वर्क, नथिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि हम चूँकि मॉडर्न एरा में आ गए हैं, अब चीज़ें बड़ी एडवांस हो गई हैं, हमने टर्की से भी जहाज़ लिए, हमने चाइना से भी लिए, हमने रोमानिया से लिया है, तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको आप किस तरह देखें?
अच्छा, ये पाकिस्तान नेवी का एक बड़ा खासा है कि जब हम शिप मॉडर्न शिप लेते हैं तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं, जिसके बाद हम खुद भी इस कैपेबिलिटी के आमिल हो जाते हो। तो तीनों मुल्कों से लिए हुए जहाज बड़े मॉडर्न हैं, और कोशिश की बात नहीं है कि जब कोई नया जहाज लिया जाए तो स्टेट ऑफ द आर्ट हो। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी इंडिजिनस डेवलपमेंट में बहुत आगे लेके जाएगी हमें, और ये पाकिस्तान नेवी को और पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा। सर, PNS यरमूक के ब्रिज पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर ब्रिज पर किस तरह से काम हो रहा है, कौन कौन से ऑफिसर्स मौजूद हैं, और टेक्निकली कितने एडवांस हैं, और काम किस तरह किया जाता है, ये जानने के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर अवैस साहब, जो कि यहाँ पर ऑफिसर हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अवैस साहब, बताइएगा, यहाँ पर माशाल्लाह जवान लड़के सारे काम कर रहे हैं, तो ये काम किस तरह यहाँ पर होता है, यहाँ पर स्क्रीन नजर आ रही हैं, ये ऑपरेट कैसे होता है? मैं चाहूँगी पहले तो ये बताइए कि इस ब्रिज को ब्रिज क्यों कहते हैं? मैम, ब्रिज बेसिकली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इन सिंपल वर्ड, इट्स नर्व सेंटर ऑफ द शिप, जहाज से किसी भी किस्म का ऑपरेशन जो है वो कंट्रोल होता है। जहाज की मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल किया जाता है, जहाज की जो प्रोपल्शन है उसको भी यहाँ से ही कंट्रोल किया जाता है। तो वन बाय वन मैं आपको कंसोल्स पे लेके जाता हूँ, ताकि आपको जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो मैं गाइड कर सकूँ कि व्हाट दिस इज मेड फॉर। मैम, द कंसोल इज बेसिकली नोन फॉर द लाइट्स। ये हमारी जो नेविगेशन लाइट्स की जब हम रॉट पर कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हम ये लाइट्स ऑन करते हैं, और उसका कंट्रोल जो है वो यहाँ पे ये CCTV कैमरा का जो है यहाँ चार्ज के अंदर की मूवमेंट है उसको हम मॉनिटर करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो मेरे लिए अट्रैक्शन का बायस है वो है जनाब ये स्टीयरिंग। इसको पता नहीं स्टीयरिंग कहते हैं या नहीं कहते आप लोगों की लैंग्वेज में, लेकिन आई थिंक जो मुझे देख के फील हो रहा है इसी से ड्राइव किया जाता है शिप को। लुक्स लाइक अ स्टीयरिंग, और यहाँ से जहाज को जो है वो डायरेक्शन दी जाती है। द पर्सन सिटिंग ये जो है वो ऑन डायरेक्शन जहाज को जो है वो राइट या लेफ्ट मूव करता है, जिसको हम पोर्ट या स्टार्बोर्ड कहते हैं। अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताएगा कि यहाँ से जिस तरीके से आप लोग इसका ऑपरेट करते हैं, ये कितना एडवांस है, कितना इजी हो गया अब इसको ऑपरेट करना? मैम, विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें AI बेस्ड सिस्टम जो हैं वो भी आ चुके हैं, सेटेलाइट बेस्ड सिस्टम जो हैं वो आ चुके हैं, तो जिसकी वजह से जो जहाज की मूवमेंट है वो ट्रेडिशनली जो कि हार्ड चार्ट्स के थ्रू होती थी, अब वो शिफ्ट हो गई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स पे। तो जनरली ये कंसोल्स जो हैं इन्होंने लाइफ जो है वो ह्यूमन लाइफ काफ़ी आसान बना दी है विद रिगार्ड्स टू द ऑपरेशन ऑफ द शिप। अच्छा, तो मुझे ये बताएगा कि ये जो ऑफिसर्स यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नेवी को इतना गहराई से नहीं जानते कि ये जो सिपाही हैं ये कितना टाइम लगता है, इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, और ये जो सीख के आते हैं ये अकेडमी से ही सीख के आते हैं, मतलब किस तरह ये होता है, इनकी ट्रेनिंग कितने अरसे की होती है, और फिर कैसे इनको यहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है? इसमें बेसिकली दो कैटेगरीज हैं, एक ऑफिसर्स हैं और एक जवान है जिनको हम सेलर्स कहते हैं। तो जो सेलर्स की ट्रेनिंग है वो मुहित है तकरीबन साल पे, ये इनिशियली रिक्रूट होते हैं और फिर इनकी इनिशियल ट्रेनिंग होती है। हमारी एक यूनिट है डेडिकेटेड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सेलर्स, वहाँ पे ये ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, इनिशियल ट्रेनिंग के लिए। वहाँ पे ट्रेनिंग के बाद देन दे गो अनदर यूनिट, उस यूनिट में जाते हैं और फिर इनकी प्रोफेशनल जो डिवीज़न है वो होती है, और फिर ये जो इनकी जो इनके इक्विपमेंट अलॉट किया जाता है, जो उनको डिवीज़न दी जाती है, उसके हिसाब से इनकी वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर ये जहाज़ों पर आते हैं, और सब्सिक्वेंटली जो एक जवान अभी यहाँ पर बैठा हुआ है, ये इसकी जो सर्विस लेंथ है वो 3 से 4 साल की है, उसके बाद ये फिर इस काबिल होता है कि यहाँ पे जहाज़ का व्हील संभाल सके। अच्छा, और मुझे ये भी बताएगा कि इसके पीछे, आपके पीछे बिल्कुल मैं ये देख रहा हूँ, ये बड़ा सा मैप है, उसके साथ ये जो इनके पास रूलर, ये बड़ा कुछ मुझे अलग सा दिख रहा है, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा मुझे बताएगा इनके इक्विपमेंट्स के हवाले से, और ये किस तरह से मैप पर काम। मैम, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडिशनली जो है वो जो समंदरी रनिंग होती थी वो हार्ड चार्ट्स के थ्रू होती थी, अभी ऑल दो चूँकि नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, सेटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स आ रहे हैं, तो अभी वो काम जो है वो काफ़ी आसान हो गया है। लेकिन इस सिस्टम से पहले, इनके एडवेंट से पहले, ये जो हार्ड चार्ट्स होते थे इनके थ्रू जहाज़ जो है वो समंदर में मनूवर करते थे। तो ये बेसिकली चार्ट्स जो है इस पर हम फिक्स करते हैं थ्रू फिक्स पोजिशन, और उसके थ्रू फिर जहाज़ की जो पोजिशन है उसको सर्टन किया जाता है और उसको डायरेक्शन दी जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें, थोड़ा सा अगर आप मुझे खुद ही बताएं, आगे तो हमने पूरा कंसोल देख लिया, ये जो जवान बैठे हैं ये यहाँ पर क्या करते हैं? मैम, ये हमारे ऑफिसर हैं, कम्युनिकेशन को देख रहे हैं, तो जो जहाज पे कम्युनिकेशन है उसको जो है वो बेसिकली हम इस कंसोल से जो है वो कंट्रोल करते हैं। नहीं, आप लोगों की लैंग्वेज भी कुछ डिफरेंट होती है आपस में कम्युनिकेशन की, तो हर शिप की अलग होती है या फिर एक जैसी होती है, क्या होता है? ऑफ कोर्स जब हम जहाज को सी में लेके जाते हैं तो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग जो हैं उनसे हम इंटरेक्ट करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन मीन्स,
तो जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो कम्युनिकेशन मोड जो होता है वो डिफरेंट होता है, बट वंस वी आर जो एक कॉमन हमारा मीडियम है जो विद इन नेवी यूज होता है वो इंग्लिश। अच्छा, दूसरा मुझे जरा थोड़ा सा पीएनएस यरमूक के हवाले से बताएगा कि कितना ये एडवांस है, इसकी क्या स्पेसिफिकली अगर आप मुझे बताएं कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त है और जो इसके किरदार को और ज़बरदस्त बनाती है, तो उसे ज़रा एक्सप्लेन करेंगे स्पेशली इस पीएनएस यरमूक के हवाले। मैम, ये जहाज़ कमीशन हुआ था 2020 में और जो इस जहाज़ की स्पेशलिटी है वो इसके स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न वेपन सेंसर्स हैं और उसके साथ साथ जो इसको यूनिक बनाता है वो इसकी स्टर्न लॉन्च बोट है। जो बोट की हमारे से बताएगा वो किस तरह की? मैम, वो इट्स अ फास्ट स्पीड बोट और मल्टीपर्पज़ बोट है वो, और डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज़ होती है। जो उसकी स्पेशलिटी है वो उसकी स्पीड है और उसकी एजिलिटी है। स्पीड कितनी है? मैम, इट इज़ अबव 40 नॉट। इस वक्त मैं इस शिप के फॉक्सल पर मौजूद हूँ, यानी कि मैं ये फ्रंट है बिल्कुल शिप का, जहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं फ्रंट पे खड़े होके, यानी कि समंदर का भरपूर नज़ारा। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा मुझे वैसा बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं बिल्कुल फ्रंट पे, जिस तरह मैं देख रही हूँ ये रोप्स तो हैं आई थिंक सो, ये इसको पार्क करने के लिए हैं, उसके अलावा यहाँ क्या क्या? मैम, ये दिस इज़ कॉल्ड द फॉक्सल ऑफ द शिप, इसको हम आम जुबान में जो है फोर पोर्शन ऑफ द शिप कह सकते हैं, मतलब जो फॉरवर्ड हिस्सा है जहाज़ का। इसमें नॉर्मली ये जो आप रोप्स देख रही हैं ये सिक्योरिंग के लिए यूज़ होती हैं, जिससे जहाज़ को जो है वो सिक्योर किया जाता है जेटी के साथ या किसी शिप के साथ, ताकि वो मूवमेंट ना कर सके, वो एक जगह पर स्टैगनेंट रहे। इसके अलावा मैम, ये यहाँ पर एंकर फिटिंग्स होती हैं जो जिसमें जहाज़ को जो है वो सिक्योर किया जाता है सी में, सी बेड के साथ इस एंकर को जो है वो स्क्वायर अप किया जाता है और जहाज़ जो है वो फिर एक जगह पे खड़ा रहता है उसकी मदद से। अच्छा, ये मैं गन भी देख रही हूँ, इस गन के हवाले से मुझे बताइएगा। मैम, ये जहाज़ की जो है वो मेन गन है और ये हम जो है वो वंस वी आर आउट एट सी तो हम इसको ऑपरेट करते हैं। अच्छा, जब आप लोगों के लिए मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आपको सी में रहना होता है तो फिर आप लोगों की रूटीन क्या होती है, किस तरह आप लोग रहते हैं, कब खाना खाते हैं, कब रेस्ट करते हैं, क्या रूटीन? मैम, जो एक्चुअल वो चैलेंज है वो वंस वी आर आउट एट सी वो हम फेस करते हैं, वो हम फेस करते हैं एक तो फिज़िकल एग्जर्शन काफ़ी होता है क्योंकि रोल एंड पिच जो है वो इन्वॉल्व होता है और वो किसी हद तक जो है वो आपके इमोशंस पे भी जो है वो असरअंदाज होता है। तो जो हमारा रियल टेस्ट होता है वो जब हम जहाज़ सी में होता है उस वक्त हम जो है वो किस तरह उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं वो जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अच्छा, मैं इसके अलावा यहाँ पे ऊपर फ्लैग्स भी देख रही हूँ, तो ये फ्लैग्स किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? फ्लैग एक तो आप जो मेन फ्लैग देख रही हैं वो हमारा कमिशनिंग पेनेंट है जो कि टॉप पे लगा हुआ है, देन उसके बाद हमारा जो नेवी का फ्लैग है वो जो आप देख रही हैं ब्लू में वो लगा हुआ है, वो हमारा स्क्वाड्रन का है विद द लोगो ऑफ स्क्वाड्रन, और जो हमारा पाकिस्तान का फ्लैग है वो राइटर मोस्ट यार्ड आर्म पे जो है वो लगा हुआ है। क्योंकि ड्यूटीज़ भी इसी तरह होती हैं, यानी रिलैक्सेशन कब मिलता है, किस तरह आप लोग एक दूसरे को रिप्लेस कर? मैम, जब जहाज़ सी में होता है तो हमारी वॉच सिस्टम जो है वो प्रोमलगेट होता है जहाज़ पे, उसमें वॉच में जो है वो जनरली हम लोग 4 आवर्स जो है वो ऑफिसर्स की और सेलर्स की जो है वो डिवीजन हुई हुई है, उस हिसाब से 4-4 घंटे की जो है हमारी वॉचेज़ होती हैं। अब वो दिन में आप कह लें कि 8 आवर्स 12 आवर्स वी रिमेन ऑन ड्यूटी। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात मैं बताऊँगी नाज़रीन को कि मैंने ये सुना भी है कि शिप का खाना बहुत मज़े का होता है, तो आप लोग जब यहाँ पर शिप पर होते हैं तो क्या आप लोग किस तरह से साथ मिलके बैठ के इंजॉय करते हैं लंच? क्योंकि ज़ाहिर है आपने बताया कि सिकनेस भी होती है, तो जब इंसान मिलके बैठे ऑब्वियसली जब आप किसी इदारे में हो, शिप पे हो, आप एक फैमिली की तरह रहते हैं, तो क्या माहौल क्या होता है थोड़ा सा बताएँ? जब हम सी में होते हैं तो जहाज़ चूँकि ये एक कॉम्पैक्ट होता है और जो है वो तो हम एक फैमिली की तरह बेसिकली जो है वो रहते हैं। अब चूंकि वो एक वहाँ पे सी के अपने चैलेंजेस होते हैं तो उसको सामने रखते हुए जो हमारी डाइट है उसको हम बिल्कुल सिंपल रखते हैं ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस, और जो ऑपरेशंस हैं जो काम हमें दिया गया है वो हम सर अंजाम दे सकें। भाई चले, ज़बरदस्त, यानी कि डाइट का भी आप लोगों को ख्याल रखना पड़ता है। फिर जाहिर है आप लोगों का वो स्लीपिंग साइकिल यहाँ पर जो काफ़ी कुछ मैंने ये भी सुना है कि 3-3, 4-4 महीने भी आप लोग समटाइम सी में रहते हैं। मैम, ये डिपेंड करता है जो हमें मिशन असाइन किया गया उसकी नौयत क्या है, तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें हम लोग 3-3 महीने के लिए भी सी में रहते हैं। चले जी, ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि सब कुछ जान के, और मेरे जहन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, और भी आपको बहुत कुछ दिखाना है,
और इस वक्त ऑफिसर अवैस मेरे साथ ही हैं। हम इस वक्त टॉप पे आ चुके हैं शिप के पीएनएस यरमोक की, और मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताइएगा कि इस टॉप पे नज़ारा तो बड़ा बेहतरीन है, इसके अलावा ऊपर क्या क्या होता है जो कि सिस्टम का हिस्सा है? मैम, ये जहाज़ का जो है वो टॉप मोस्ट टेक है, जिसको हम टॉप टेक भी जनरली कहते हैं। यहाँ पे जो जहाज़ के सेंसर्स हैं वो बेसिकली इंस्टॉल्ड होते हैं, और जो कि सर्विलेंस के लिए हमें काम देते हैं। सर्विलेंस के लिए काम करते हैं, तो जिससे ये पता चलता है कि आपके इर्द गिर्द कौन से शिप्स मौजूद हैं, किसी भी तरह के हादसे से बचने के लिए एवरीथिंग, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे रात में यहाँ पर सर्वाइव करना दिन की नस्बत मुश्किल होता है, यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता? रात में भी वैसे ही सब कुछ होता है टेक्नोलॉजी वाइज भी, और यहाँ पर रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए? मैम, जनरली रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इट इज़ सेम। अगर दिन में भी आप ऑपरेट कर रहे हैं सी में, तो रात में भी आपको उसी तरह ऑपरेट करना होगा। ये नहीं है कि आप जहाज़ कहीं जो है वो रात में कहीं खड़ा होगा, तो इट्स एन ऑन गोइंग वो चीज़ होती है जिसमें हम लोग रात में भी और दिन में दोनों में एक ही तरह जो है वो ऑपरेट करते हैं। और एट ए टाइम कितने यहाँ पर सेलर्स होते हैं या हमारे ऑफिसर्स होते हैं जो कि डिप्लॉय होते हैं? एट ए टाइम जो सिंगल वॉच में होते हैं सी में जो है वो अराउंड 50 to 60। और उसके बाद शिफ्ट वाइज रोटेशन होती है और रिप्लेस कर लिया जाता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ज़रा और इस शिप के हवाले से बताएंगे, इसकी ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर इतनी सारी रोप्स हैं जो इसके साथ लगी हुई हैं, ये किस पर्पज़ के लिए है, फिर वो लाइट किस पर्पज़ के लिए है, थोड़ा सा अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर दें इससे हट कर। ये जो बेसिकली रोप्स हैं ये हॉल यार्ड की, जिससे फ्लैग जो है वो हाइस्ट होते हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए जनरली यूज़ होते हैं, तो ये बेसिकली रोप्स जो हैं ये उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। और उसके अलावा जो लाइट्स हैं वो जनरली हमारे नेविगेशन पर्पस के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। सही, चले जनाब, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ कि यहाँ पर माहौल कितना ज़बरदस्त है, नज़ारा कितना ज़बरदस्त है, ये जिस किसी का समंदर की सैर को दिल चाहे अगर तो उसको ये शिप मिल जाए और वो यहाँ पर आकर खुली फ़जाओं में सांस ले तो बड़ा फ्रेश फील करेगा, जैसे कि मैं फ्रेश फील कर रही हूँ। ठंडी हवा है और बहुत ही ज़बरदस्त ये नज़ारा है, और ख़ास जब कोई मौका होता है तो ऐसे मौक़ों पर जब हम देखते हैं ना पाकिस्तान में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और हम लोग कितने बासलाहियत हैं, अपनी सिक्योरिटी को लेकर हम कितने कंसर्न हैं, कितने तैयार हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर आके जज्बा हुब्बुल वतनी जो है ना वो ज़रा ताज़ा हो जाता है, उसको तकवियत मिलती है। जी जनाब, आज मैंने आपकी उन तमाम अपने मुहाफिजों से, अपने सेलर से, अफसरान से मुलाकात करवाई है जिनके बारे में हमने बचपन से सुना है कि जब हम चैन की नींद सोते हैं तो ये जवान हमारे सरहदों पर समंदरों में हमारी हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं, जो रातों में जागते हैं और हम चैन से सोते हैं, तो मेरे करीब आप देख रहे हैं ये जवान खड़े हैं, ये एक टांग पर खड़े हैं अपनी ड्यूटी पर, और इनके आप यूनिफॉर्म देखिए कि हेलमेट, सख्त गर्मी भी होगी तो इनके सर पर मौजूद रहेगा, और ये लाइफ गार्ड जैकेट्स इनकी बॉडी पर रहेंगी। तो ये इतना आसान काम नहीं है कि मौसम की सख्तियाँ भी बर्दाश्त करनी है, फिर फैमिली से दूर समंदर में मौजूद रहना है और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है, ये आसान बात नहीं है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इन लोगों से मिलके, और मैं चाहूँगी कि मेरे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट कमांडर अवैस साहब मौजूद हैं, मैं उनसे पूछूँ कि ये जो हमारे जवान हैं ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही खड़े रहते हैं, 4 आवर्स के बाद इनकी भी ड्यूटी चेंज होती है? बेसिकली जो हार्बर की वॉच है वो डिफरेंट होती है सी से, हार्बर में जो है वो 24 आवर्स के लिए वॉच होती है, तो ये जवान जो है वो 24 आवर्स के लिए डिप्लॉय होते हैं और सीवर डिफेंस को जहाज के इंश्योर करते हैं। सही। अच्छा, और ये एट ए टाइम मतलब इस तरफ भी 3 है और उस तरफ भी 3 है, ऐसा होगा? सीवर्ड साइड पे सिर्फ इस तरफ। अच्छा, सिर्फ इस तरफ होगा सीवर्ड साइड पे, ओके। अच्छा, इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप यौम दिफा के हवाले से भी अगर कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। यौम दिफा जो है वो हमें उन कुर्बानियों की याद दिलाता है कि जो हमारे फोर फादर्स ने जो है वो इस मुल्क को सिक्योर करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी, और इस साथ ही साथ वो हमें इस ऐद की भी तजदीद देता है कि अगर हमें आइंदा कभी दुश्मन ने ललकारा तो हम उसको जानफिशानी से अपने मुल्क की बहरी सरहदों की हिफाजत करेंगे। थैंक यू सो मच लेफ्टिनेंट कमांडर अवैस मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने थॉरली मुझे बताया है कि यहाँ पर कौन कौन सी जगह पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और हमारे जवान किस तरह काम करते हैं। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा, आपको भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा और आपने भी मेरे साथ इस पूरे ट्रिप को एंजॉय किया होगा। और इसके साथ ही मैं चाहूँगी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।